अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान सुपर लीग का इनेकाद जो है वो जारी है और आज जो है उसमें एक अंडर 13 एग्जीबिशन मैच का इनेकाद हुआ है और आज हमने छोटे नन्हे स्टार्स को देखा है जिन्होंने परफॉर्म किया है। आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नैदा खान, जो बलूचिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने 12 ईयर जो है बलूचिस्तान को रिप्रजेंट करके पाकिस्तान नेशनल लेवल पर जो है वो खेली है और ये फर्स्ट प्राउड है बलूचिस्तान का और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन है किस तरह के मज़ीद जो है वो स्टार्स आएंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने जो है कोचिंग भी की है, स्पेशली हमें जो हमारे अंडर 13 के जो प्लेयर्स थे और उन्होंने परफॉर्म भी किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं सीओ जो है बीएसएल के असमतुल्ला की बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और नसीबुल्ला भाई की भी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है, इन सब को मैं क्रेडिट देती हूँ और इन सब को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इतना ज़बरदस्त इवेंट जो बड़े लड़कों का हो रहा है रमज़ान में और साथ में छोटे बच्चों का आज एग्जीबिशन मैच हुआ, बच्चों को देखने का वैसे ही बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करती हूँ क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं और आज एक टीम की मैं कोच भी थी और बहुत मज़ा आया मुझे। दोनों टीमों के बच्चे जिसमें ज़्यादातर बलूचिस्तान की जो अंडर 13 के बच्चे हैं जो रीजन लेवल पे खेले हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। क्या कहेंगी कि यहाँ से जो ग्रास रूट से यहाँ पर अब जो स्ट्रगल जारी है यहाँ पर बलूचिस्तान के मैनेजमेंट की, स्पेशली आज के मैच के हवाले से अगर हम देखें, हमें अच्छे अच्छे स्टार्स देखने को मिले और आपकी टीम ने तो आज विक्ट्री भी हासिल किया है, जो टिप्स आपने दिए थे वो जो है करामत साबित हुए और बच्चों ने वही परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी कोशिश है कि अपने बच्चों को ये ट्रांसफ़र करूं क्योंकि ये बच्चे हमारे फ्यूचर के स्टार्स होंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पे जितने भी हमारे स्टार्स हैं फ्यूचर्स इनके साथ काम करूं, जितना मुझे मौका मिलेगा मैं इनके साथ काम करती रहूँगी और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है इनमें डिलीवर करूँ। जी जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के यहाँ पे स्पेशली अगर देखा जाए इस एरिया में कैसे हम जो है ग्रोथ दे सकते हैं स्पेशली वुमेंस क्रिकेट को जो है यहाँ से स्टार्ट ले लें और फिर जो है आपकी तरह और स्टार्स भी जो है मौजूद है टैलेंटेड हीरे लेकिन असल में यहाँ पे जो है इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है। अभी रिसेंटली हमने इसी बोलांग क्रिकेट ग्राउंड में बहुत अच्छा इवेंट जो है वो कराया था लड़कियों के लिए। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लड़कियों के हवाले से मैं बात करूँगी, बहुत टैलेंट है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। हमारी लड़कियों के लिए एकेडमीज़ होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर वहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर सकें और इसके अलावा इनके लिए इवेंट्स होने चाहिए और इंशाल्लाह हमारे साथ अभी प्रॉमिस किया है आप ये जो इवेंट के सीओ साहब हैं असमतुल्ला की, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रमज़ान होगा उसमें हम लड़कियों को भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बताएँ कि जो लड़कियाँ आपको स्क्रीन पर देख रही हैं और वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह एक सुपर स्टार जो है वो बन जाए और पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करें और बलूचिस्तान का नाम रोशन करें, तो उनके लिए आपके तरफ से कोई मैसेज? जी बिल्कुल, मैसेज हमारे मेरा हमेशा एक ही होता है, नो डाउट टैलेंट है बलूचिस्तान में, आप सब टैलेंटेड हो लेकिन ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको टाइम देना होगा और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हूँ, जितना मुझसे हो सका मैं आपको सपोर्ट करूँगी आप सब प्लेयर्स को, बट ये है कि आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब आगे मेरे बाद, मेरी ख्वाहिश है कि बाकी लड़कियाँ भी आएँ और बलूचिस्तान से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बीइंग अ कोच जो है जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा कि अपने बच्चों को जो है वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि आज बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लाइव में व्यूवर्स ने जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया? जी बिल्कुल, चाहे वो अंडर 13 बच्चे, चूँकि एज ऐसी होती है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर इसमें पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ से मना करते हैं कि नहीं आपने पढ़ना है। मेरा ख्याल है अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो स्पोर्ट्स से हेल्दी एक्टिविटी कोई नहीं, आप बच्चों को सपोर्ट करें और फीमेल्स के लिए भी मेरा यही पैगाम है पेरेंट्स के लिए कि वो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें इस फील्ड में क्रिकेट में और चूँकि अब टाइम बदल गया है, ज़माना बदल गया है, सोच भी बदल गई है, अब माशाल्लाह लड़कियां जो है वो लड़कों के शाना बशाना खड़ी हैं और अपने वालदेन का नाम जो है वो रोशन कर रही है। जी जी बिल्कुल, चले बेस्ट ऑफ लक, यकीनन एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे दिया है कि आप अपने बच्चों को जो है सपोर्ट करें, जब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो है हम स्टार्स देखेंगे इनकी तरह जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और बलूचिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रोशन करेंगे। जी